नमस्कार मित्रों, दीक्षा पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है। तो ये किस तरीके का अपडेशन है और क्या करना है, किस तरीके का आपको दिखाई पड़ेगा, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। जब आप अपने मोबाइल पे दीक्षा ऐप खोलेंगे तो आपको एक इस तरीके का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। इसमें सबसे ऊपर की तरफ ये टर्म्स एंड कंडीशन तीन टाइप के दिए गए हैं, टर्म्स ऑफ यूज़, प्राइवेसी पॉलिसी, कंटेंट पॉलिसी, ग्रुप की गाइडलाइंस क्या हैं और कोर्स गाइडलाइंस क्या हैं। आप इनको अगर पढ़ना चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। और नीचे की तरफ जब आप आएंगे, चेकबॉक्स बना है, यहाँ पे आप टिक करके कंटिन्यू कर दीजिए तो आपका दीक्षा ऐप खुल जाएगा। जो इसकी टर्म्स कंडीशन है उसको मैं एक समरी के रूप में अगर बताऊँ, मुख्य बिंदु, तो उसमें इनका ये कहना है कि ऐप पर जो भी वीडियोज़ या PDF अपलोड होती हैं वो देश के विभिन्न राज्यों से जो विचारक हैं, अध्यापक हैं, उनके द्वारा बनाई जाती हैं और उनसे छांटा जाता है जो सबसे अच्छे वीडियोज़ या PDF होते हैं उनको ही सम्मिलित किया जाता है। और वीडियो में किसी भी तरीके का जाति भेदभाव या किसी भी तरीके की हिंसा ना होने पाए ध्यान रखा जाता है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही बताना था, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर।